हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके मेडिकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स की, जिसके अंदर देखेंगे हम पहली पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसे ही हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे एक सेला ट्रसिका जो गुहा होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। और ये क्या करती है, जो अदर जो ग्लैंड है हमारी जो बॉडी के अदर ग्लैंड है उन्हें कंट्रोल करती है, इसीलिए इसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पिट्यूटरी ग्लैंड इज कम्प्लीटली एक्टोडर्मल, यानी कि यह जो डेवलपमेंट जो होता है उसका जो ओरिजिन जो होती है उत्पत्ति, इसके आधार पर इसे देखा जाए तो ये कम्प्लीटली एक्टोडर्मल होती है, ठीक है। पी शेप होती है, जो मटर का दाना होता है उसके शेप की यह बनी हुई होती है। 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। इसका वेट कितना होता है, 0.5 ग्राम इसका वेट होता है, या 500 मिलीग्राम इसे बोल सकते हैं हम, 0.5 ग्राम वेट होता है। इसकी लोकेशन, इसकी जो लोकेशन होती है वो क्या होती है, सेला टर्सिका इन द स्पिनोइड बोन ऑन द बेसिस ऑफ स्कल बिलो द हाइपोथैलेमस। यानी कि देखो ये हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे स्पिनोइड बोन में एक सेला टर्सिका नामक गुहा होती है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है स्कल में, ओके। आगे देखते हैं कि इसकी दूसरी लोकेशन कहाँ है, इसे ही बोला जा सकता है सेला टर्सिका को क्या बोला जाता है, हाइपोफाइसियल फोसा बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। द पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज इन द हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ द स्पेनोइड बोन बिलो द हाइपोथैलेमस टू विच इट अटैच्ड बाय द स्टाल्क। यानी कि ये जो हाइपोथैलेमस है इसके नीचे जो स्पेनोइड बोन से बना हुआ हाइपोफाइसियल जो फोसा होता है इसके अंदर स्थित होती है। और ये किससे जुड़ी होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यह किससे, पिट्यूटरी स्टाल्क से जुड़ी होती है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। हाइपोथैलेमस से यह जुड़ी होती है एक डंडीनुमा स्ट्रक्चर जिसे क्या बोला जाता है, स्टाल्क, पिट्यूटरी स्टाल्क। अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनल लोब, दो लोब होती हैं इसकी। पिट्यूटरी ग्लैंड दो लोब के अंदर पाई जाती है, एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वह ग्लैंडुलर टिश्यू की बनी होती है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो सारे जो फंक्शंस होती हैं खुद के खुद करती है, मतलब ये जो भी हार्मोन सिक्रेशन करती है, ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो भी जो ये हार्मोन सिक्रेशन करती है यह खुद करती है, ओके। तो यह ग्लैंडुलर टिश्यू की बनी होती है, यानी इसके अंदर ग्लैंड पाई जाती है, ग्लैंडुलर टिश्यू की बनी होती है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो किसकी, नर्वस टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर न्यूरॉन पाए जाते हैं, यहाँ से न्यूरॉन आते हैं और यहाँ पे रुकते हैं, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली सिर्फ क्या काम करती है, स्टोरेज का कार्य करती है। जैसे ये दो हार्मोन का स्रावन करती है, एक तो ऑक्सीटोसिन, एक एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये हार्मोन का सिक्रेशन तो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, पर हाइपोथैलेमस इसके पास भेज देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और बोल देता है भाई जैसी जरूरत हो वैसे तुम काम में ले लेना इनको। एक पाई जाती है इंटरमीडिएट लोब इसकी, ये वाली, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट लोब पाई जाती है। ये क्या करती है, ये कोई फंक्शन नहीं करती है, बट ये क्या करती है, एमएसएच मेलेटिनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करती है। यह क्या करता है, जो हमारी जो मेलेनिन की जो सेल होती है, मेलेनोसाइट जो सेल्स होती हैं उन्हें एक्टिवेट करता है और हमारी स्किन को कलर प्रदान करने का कार्य करता है। ये देखो, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यह है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यह है पिट्यूटरी स्टाल्क, यह है हाइपोथैलेमस। एक बार और देख लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है डेवलपमेंट में कैसी होती है, कंप्लीटली एक्टोडर्मल होती है। पी शेप होती है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। कहाँ स्थित होती है, सेला टर्सिका या फिर हाइपोफाइसियल फोसा के अंदर यह स्थित होती है। यह हाइपोफाइसियल फोसा जो होता है वह हाइपोथैलेमस से किसकी सहायता से जुड़ा होता है, स्टाल्क की सहायता से जुड़ा होता है। इसकी दो लोब होती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर। एंटीरियर जो होती है वह ग्लैंडुलर टिश्यू की बनी होती है और जो पोस्टीरियर होती है वह नर्वस टिश्यू की बनी हुई होती है। एक है नोट लगा के कि पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड्स कॉल्ड एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। यह सभी जो अदर जो हमारी बॉडी की ग्लैंड है उन्हें यह कंट्रोल करती है या उनको एक्टिवेट करने का कि आप यह हार्मोन स्रावित करो, यह आदेश देती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो हमारा हाइपोथैलेमस है इसे क्या बोलते हैं, हेड मास्टर
ठीक है, ये मास्टर है, ये हेड मास्टर है, क्योंकि ये हेड मास्टर इसलिए बोला गया क्योंकि ये इसे कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब हम देखें पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसका एक डायग्राम देखते हैं जिसके अंदर इसकी ब्लड सप्लाई, कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है, कौन सी लोब कहाँ होती है, और जो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन से न्यूरोन से जुड़ी हुई हुई होती है। तो अब हम देखते हैं डायग्राम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी स्ट्रक्चर है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमने ब्लड सप्लाई दिखा दी है इसकी, और इसके अंदर जो हाइपोथैलेमस जो पोस्टीरियर लोब को जो कंट्रोल करता है उसके न्यूरॉन्स हमने दिखा दिए हैं। तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे जब आओगे यहाँ पे ये है पिट्यूटरी स्टाल्क इनफंडिबुलम, ये इसकी एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है, और ये है इसकी इंटरमीडिएट लोब। लोब ठीक है, ये इसकी इंटरमीडिएट लोब है यहाँ पे। ओके, अब हम देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सी आर्टरी या वेन जो होती है या पोर्टल सिस्टम जो होता है वो ब्लड सप्लाई करता है। ये देखो यहाँ पे सुपीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी जो होती है सुपीरियर, ये क्या करती है हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई करती है। हाइपोथैलेमस से जो वेन्स निकलती हैं वो कहाँ आती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर आती हैं और इसे ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ये जो यहाँ पे जाल नेटवर्क दिख रहा है ये क्या है, एंटीरियर ये सॉरी पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम है, पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम है। ये किससे बना है, सुपीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी पहले हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई करती है, और जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से ये ब्लड और अन्य जो एंजाइम्स होते हैं वो लेके आता है किसके पास, एंटीरियर लोब के पास। तो ये पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम हो गया। अब देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी जो होती है वह ब्लड सप्लाई करती है। देखो यहाँ पे सुपीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी है जो पहले हाइपोथैलेमस के पास ब्लड ले जा रही है और फिर ला रही है इसके पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आर्टरी नहीं आ रही, क्या आ रही है, वेन्स आ रही है, और इसे क्या बोलते हैं, इस जालनुमा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर दो पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं मेनली सिस्टम, ठीक है, एक पाया जाता है पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम और एक पाया जाता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी जो किडनी होती है यहाँ से स्टोमक से पेंक्रियास से निकलती हैं वेन्स, और कहाँ पे आती हैं, लीवर के पास ब्लड लेके आती हैं वेन्स, ठीक है, ये होता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम हमने देख लिया, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, जो लीवर होता है ना हमारा लीवर, इसको 80 से 85% ब्लड जो होता है ये प्रदान करते हैं ये ऑर्गन्स वेन्स पोर्टल सिस्टम के द्वारा। 80 से 85% ब्लड पोर्टल सिस्टम के द्वारा दिया जाता है लीवर को, और 10 to 15% ब्लड जो होता है वह आर्टरी हिपेटिक आर्टरी द्वारा दिया जाता है जिसके अंदर क्या होती है O2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये दो पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं मेनली, याद रखना। ये जो आगे निकली हुई स्ट्रक्चर इसे ऑक्टिव काजिमा बोलते हैं। अब देखो कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके अंदर जो हार्मोन्स आते हैं, अभी बताया था मैंने ऑक्सीटोसिन और ADH, जो ADH होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे ही बोलते हैं वेसोप्रीन, वेसोप्रीन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो हमारी किडनी जो होती है उसके अंदर जो ट्यूबुल्स होती है ना, किडनी ट्यूबुल्स जैसे PCT DCT कलेक्टिंग डक्ट, उसके ऊपर कार्य करता है, और जो वाटर वाटर के रीएब्जॉर्बेशन करवाता है, वाटर का रीएब्जॉर्बेशन करवाता है, ठीक है। और जो ऑक्सीटोसिन, हमने जो ऑक्सीटोसिन की बात की है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है फीमेल्स के अंदर मेनली, ये क्या कराता है, जो
वुम्ब जो होता है उसे कॉन्ट्रैक्शन करवाने का, गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है डिलीवरी के समय, ठीक है। और जो मेल होता है, मेल के अंदर ये क्या करता है, जो हमारा यूरिथ्रा जो होता है उसे कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब यूरिथ्रा को कॉन्ट्रैक्शन जब करवाता है, जो वो स्पर्म गुजरता है यूरिथ्रा से, यानी स्पर्म को गति प्रदान करने का कार्य करता है ऑक्सीटोसिन मेल के अंदर। और इसका मेनली काम जो है वह फीमेल्स के अंदर है, ठीक है। अब ये हैं दो यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं जो इनसे डायरेक्ट हार्मोन आते हैं ऑक्सीटोसिन और ADH, यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और यहाँ पे स्टोरेज का कार्य किया जाता है, जब भी उनकी जरूरत होती है यहाँ से निकाल दिया जाता है। अब देखो ये जो न्यूरॉन्स हैं, यहाँ बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स इन द पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये इनका नाम है। यहाँ से जो न्यूरॉन्स लेके आते हैं हार्मोन्स को, उन्हें बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स इन द पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, और ये जो न्यूरॉन्स है उन्हें बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स इन द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस बोला जाता है, इसे होते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गए इनका पिट्यूटरी ग्लैंड और या फिर हाइपोफाइसिस से उसका डायग्राम पूरा ये होता है, ठीक है। इसे इन्फंडिबुलम बोला जाता है, इन्फंडिबुलम को पिट्यूटरी स्टाल्क भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशन करती है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशन करती है, तथा जो इंटरमीडिएट लोब है वह कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है। हार्मोन्स की कि जो पिट्यूटरी की जो तीन लोब्स हैं, मेनली दो लोब्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, इसे एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, इसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और एक है मिडिल लोब की, कौन कौन से हार्मोन्स ये स्रावित करती हैं। तो पहला एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके हार्मोन्स की बात करते हैं हम। ये करती है मेनली फाइव हार्मोन्स सिक्रेशन। पहला करती है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन या फिर इसे लिटियोट्रोपिक या फिर मेमोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। तीसरा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH को बोलते हैं एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और फाइव है गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन है इसे कौन सी सेल्स, जो एड्रिनल ग्लैंड है, नहीं सॉरी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें जो सोमेटोट्रोप सेल्स या फिर अल्फा एसिडोफिलिक सेल्स जो होती हैं वो इसे सिक्रेट करती हैं। ग्रोथ हार्मोन का कार्य क्या है, ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली जो बॉडी के टिश्यूज या सेल्स हैं उनके अंदर ग्रोथ करने का कार्य करता है और हमारी हाइट बढ़ाने में सहायता करता है। दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन या फिर मेमोट्रोपिक हार्मोन, इसे कौन सी सेल्स करते हैं, इसे एसिडोफिल्स या फिर लैक्टोट्रोफ सेल्स जो होती हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, एसिडोफिल सेल्स जो होती हैं वो इसे सिक्रेट करती हैं। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन किसमें, जो हमारी लैक्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जब हमारा जो लैक्टेशन जो होता है हमारा, उसके अंदर हेल्प करता है, यह क्या करता है, जब भी डिलीवरी होती है तो हमारे ये मेमरी ग्लैंड है उन्हें एक्टिवेट करता है और लैक्टेशन को शुरुआत करता है, लैक्टेशन की फर्स्ट बार, ठीक है। अब आता है TSH, इसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, थायराइड जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है, और किसके सराउंड, किसके सराउंड के लिए, T3 और T4, टेट्रा क्या है, TSH, तो T3 और T4 को सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। ट्राई थायरोहाइड्रोक्सिन हार्मोन और टेट्रा थायराइड हार्मोन जो होता है उसको लिए ये है स्टिमुलेट करता है। इनके पूरे नाम जो है मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, शायद इसको ट्राई कुछ ऐसे बोलते हैं, इसको टेट्रा और इसको ट्राई। आगे हम बात करेंगे एक एक हार्मोन्स को लेके, जब पाँच होगी तब हम पूरी डिटेल्स मैं इसकी दे दूंगा। अब आता है ACTH, ACTH को कौन स्रावित करता है, TSH को बेसोफिल सेल्स सिक्रेशन करती हैं, जबकि जो ACTH आता है इसे बेसोफिल सेल्स जो होती हैं वो इसका सिक्रेशन करती हैं। ACTH की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक। ये क्या करता है, हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है ACTH, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर कार्य करता है। एड्रिनल ग्लैंड के किसके किस पार्ट पर, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स पार्ट में कार्य, कॉर्टेक्स पार्ट पर को स्टिमुलेट करता है। कॉर्टेक्स पार्ट में हम याद रखते हैं GFR से,
ठीक है, जी एफ आर सी, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलेरिस, फेसिकुलेरिस और रेटिकुलेरिस, तीन लेयर होती हैं जो अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। जो ग्लोमेरुलस होती है यह है इसमें मिनरलोकोर्टिकोइड्स का, मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन का स्राव करती है, यह करती है ग्लूकोकोर्टिकोइड और ये करता है हमारा सेक्स हार्मोन का या एंड्रोजन्स का, ठीक है, ये हार्मोन्स करते हैं। इनके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे ACTH के बारे में, जब ACTH का के बारे में हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। अब आते हैं लास्ट गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स क्या होते हैं, ये दो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, एक तो FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग और एक हार्मोन एक होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दो हार्मोन का सिक्रेशन करती है जो हमारे किस में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके अंदर मेन रोल करते हैं, ओव्यूलेशन के अंदर जो FSH और LH होता है। LH जो होता है हमारा 14वां दिन जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का उसके अंदर ये पीक पर होता है और ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि हार्मोन सिक्रेटेड बाई मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कि जो हमारी मिडिल लोब है उस वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है। ये एक हार्मोन करती है मेलेटोनिन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, हमारी स्किन जो होती है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मेलेनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, उनको यह स्टिमुलेट करता है और हमारी जो बॉडी है उसको कलर प्रदान, हमारी स्किन को कलर प्रदान करवाने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं पोस्टीरियर या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है। यह दो हार्मोन सिक्रेट करती है, ये तो क्या पर हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है, फिर इसके अंदर स्टोरेज होते हैं और ये आगे सिक्रेट करती है। पहला है ADH या वेसोप्रिन या फिर पिट्रेसिन हार्मोन। तो ADH की फुल फॉर्म है एडिनो डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, हमारी जो ये देखो ये है PCT किडनी में, ये है हेनले लूप या लूप ऑफ हेमले, ये है DCT, ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट का अपर पार्ट DCT और PCT जो होती है उनके अंदर क्या करवाता है, जो वाटर जो होता है उसका रीअब्जॉर्वेशन करवाता है। और रीअब्जॉर्वेशन भी कैसा, एक्टिव टाइप का रीअब्जॉर्वेशन करता है, पैसिव टाइप दो होते हैं, तो पैसिव और एक्टिव रीअब्जॉर्वेशन। पैसिव रीअब्जॉर्वेशन में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि एक्टिव जो रीअब्जॉर्वेशन होता है उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब जैसे एक्टिव और पैसिव को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे दो बंदे जा रहे हैं, एक तो बोल रहा है भाई राजी राजी अंदर आ रहा है गेट के कि तू आ जा, ठीक है वो आ गया, एक को हम जबरदस्ती पकड़ के ला रहे हैं, ठीक है कि तू आ, अंदर आना जरूरी है, तू आ ही, इसलिए यह है एक्टिव टाइप का। तो यह एक्टिव टाइप का रीअब्जॉर्वेशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमने अभी बता ही दिया था पहले कि ऑक्सीटोसिन क्या कार्य करता है, जब हमारा डिलीवरी होती है तो उसके अंदर हमारा जो गर्भाशय जो होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन करवाने का कार्य करता है फीमेल्स के अंदर, जिससे क्या डिलीवरी आसानी से हो जाए। और ये कॉन्ट्रैक्शन इसके जो पॉजिटिव फीडबैक है उसके ऊपर निर्भर करते हैं, जितनी ज़्यादा जरूरत होती है वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते जाते हैं और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन रुक जाते हैं। और मेल के अंदर ये क्या करता है, जो यूरिथ्रा है उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, किसके लिए, जो स्पर्म की जो गति होती है उसे बढ़ाने के लिए या स्पर्म की मूवमेंट के लिए, ठीक है। ये थे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक हार्मोन के बारे में हम देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हम ये जो नेक्स्ट वीडियो डालें उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।